Today we will discuss about the fourth unit, chopper. In this unit, as I already told, chopper is a converter which convert fixed AC into variable DC. ठीक, फिर उसके बाद मैंने उसकी फंक्शनिंग तुम लोगों को कुछ बताई सिंपली कैसे वो वर्क करता है. अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स दो टाइप के होते हैं, एसी लिंक चॉपर और डीसी चॉपर. ठीक, एसी लिंक चॉपर के बारे में मैंने बताया कि एसी लिंक चॉपर मीन्स पहले वो एसी सप्लाई दी, इन्वर्टर के थ्रू एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, देन फिर अगेन रेक्टिफायर का यूज़ करके उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, मीन्स एसी डीसी सप्लाई, देन फिर अल्टरनेटिंग करेंट मिला उसे थ्रू द इन्वर्टर, देन अगेन इट कन्वर्टेड इन डीसी. देन उसके बाद मैंने बात की कि अगर इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग कन्वर्टर्स का यूज़ कर रहा है, इट मीन्स वो कॉस्टली होगा, बल्की होगा, देन लेस इफिशियंट होगा. देन फिर मैंने बोला डीसी चॉपर मीन्स मैंने डीसी सप्लाई दी और उसने अगेन उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग कम्यूटेशंस में, या फिर बोल सकते हैं कि ट्वाइस वगैरह में, जहाँ पे वेरिएबल डीसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर डीसी चॉपर का हम लोग यूज़ करते हैं. अब आगे मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसका जो वर्किंग ऑपरेशन है, इसका जो सिंबल है, सिंपल एक स्विच के जैसा होता है, जैसे स्विच होता है, आगे जब सर्किट बनाएंगे तो एक स्विच के फॉर्म में जो चीज़ मिलेगी तुम्हें वो चॉपर को शो करेगी. ठीक, अब कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हर यूनिट के पांचों यूनिट में एकदम सीक्वेंस में तुम लोग डायग्राम्स को दिमाग में रख लेना कि चॉपर का डायग्राम ऐसे बनेगा तो कम्यूटेशन ए का ऐसे बनेगा, बी का ऐसे बनेगा, सी का बनेगा. तो अगर तुम उनको दिमाग में रख लोगे तो थ्योरी कहीं ना कहीं लिख पाओगे. क्लियर. अब इसका मैं प्रिंसिपल बताने जा रही हूँ चॉपर का, ये लिखने को आता है एग्जाम में, या तो ये दो फेज में पूछ सकता है कि चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, या तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है स्टेप डाउन चॉपर के बारे में बताओ. ठीक, जो मैं अभी प्रिंसिपल बताने जा रही हूँ वो स्टेप डाउन चॉपर को भी कवर करेगा. दो चीज़ें बोली मैंने, चॉपर का प्रिंसिपल भी वही है जो कि स्टेप डाउन चॉपर को, जो कि स्टेप डाउन चॉपर के बारे में भी बताएगा. ठीक, अलग अलग अगर लिखने को आ जाए, कभी आ जाए कि स्टेप डाउन चॉपर के बारे में लिखो, तो भी तुम्हें मैं जो अभी बताने जा रही हूँ वही लिखना है, और अगर सिंपल प्रिंसिपल लिखने को आए तो भी यही लिखना है. यही कहीं टॉपिक उठ के आगे एक और टॉपिक है फोर क्वाड्रेंट चॉपर, उसमें भी क्लास ए चॉपर में यही की यही थ्योरी यूज होनी है. एक ही टॉपिक तीन जगह कवर होगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना. ठीक, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर, सबसे पहले मेन मुद्दा है कि तुम्हें डायग्राम दिमाग में होने चाहिए. कैसे? क्योंकि बिना सर्किट के डायग्राम के तुम कुछ नहीं कर पाओगे. तो सिंपल, सबसे पहले चॉपर का कंसेप्ट, चॉपर डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. अब कैसे कन्वर्ट करता है, मुझे सिर्फ अभी सर्किट सीखना है और उसकी वेव फॉर्म समझनी है. सबसे पहली चीज मैंने एक सिंपल मैं कनेक्शन बता रही हूँ कैसे. ये चॉपर का सिंबल हो गया, इसका प्लस साइन, माइनस साइन, देन मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर, सारी चीजें भी मिलेगी, तो इंडक्टर कनेक्ट किया, दिस इज अ लोड. उसके साथ में मैंने एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट किया और ये है सप्लाई. ठीक, मैंने क्या बोला, सिर्फ तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, डायग्राम्स दिमाग में रखनी पड़ेगी. ये है स्टेप डाउन चॉपर, या बोल सकते हो कि प्रिंसिपल चॉपर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, हम लोग इसी के थ्रू उसे थोड़ा समझेंगे. डायग्राम में मैंने क्या किया, सबसे पहले ये सप्लाई है, उसी के साथ मैंने एक चॉपर को कनेक्ट किया है, मतलब स्विच को कनेक्ट किया है, उसके बाद इंडक्टर, लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड. अब जो लोग शुरू से मेरी क्लास अटेंड करते आ रहे हैं, वो लोग आराम से इस चीज को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना मेरे समझाए. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्विचिंग डिवाइस है, मतलब इसमें दो ही कंडीशन चलनी है. एक कंडीशन चलेगी मेरी चॉपर को ऑन वाली, दूसरी कंडीशन चलेगी मेरी चॉपर को ऑफ वाली. फिर वही कंडीशन, जब मैं चॉपर को ऑन करूंगी तो ऑब्वियसली बात है जो करंट फ्लो होगा वो लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो, सॉरी जो पाथ उसे मिलेगा वो उसे फॉलो करेगा. उस टाइम पे इंडक्टर मेरा क्या करेगा, स्टोर करेगा. दूसरी कंडीशन आएगी मेरी स्विच को ऑफ वाली, जब मेरा स्विच ऑफ कंडीशन में जाएगा या स्विच को मैं ऑफ कर दूंगी वो वाली कंडीशन, तो यहाँ इंडक्टर लगा है तो वही स्टोरेज वाली कंडीशन आएगी. वही की वही वर्डिंग्स चलेगी और कुछ नहीं. ठीक, ये है डायग्राम चॉपर का प्रिंसिपल का. सिंपल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी, सप्लाई, स्विच मतलब चॉपर, फ्री व्हीलिंग डायोड, देन इंडक्टर, उसके बाद यहाँ पे लोड. क्लियर. दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मोड ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट मोड व्हेन चॉपर इज ऑन. इट मींस व्हाट, मैं से थोड़ा सा आगे और बताऊं. पहली कंडीशन में ले रही हूँ क्या कि मैंने चॉपर को कनेक्ट किया है, मतलब स्विच मेरा कनेक्टेड है, स्विच मेरा ऑन कंडीशन है. यहाँ पे ऑन और ऑफ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब मैं मेरे टाइम में पढ़ती थी इन ऑन और ऑफ से मैं कंफ्यूज हो जाती थी. यहाँ पे ऑन मतलब अपने स्विच ऑन, जो अपन फैन को ऑन करते हैं ना, ऑन करना मतलब वो मैंने उसे वर्किंग कंडीशन में लिया. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना.
पहला मोड मैंने क्या रखा, मेरा चॉपर ऑन कंडीशन में, मतलब मेरा स्विच ऑन कंडीशन में, मतलब मैंने उसे कनेक्ट कर दिया है, वहाँ से सप्लाई चलेगी। तो सब अब तुम लोग यहाँ पे बता ही सकते हो कि जो करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली बात है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चॉपर देन इंडक्टर देन लोड देन उसके बाद बैक टू वापस सप्लाई। ठीक, अब इसकी वेव फॉर्म कैसे वेव फॉर्म बनेगी वो भी तुम लोग को दिमाग में, अब क्योंकि वही चीज़ें पढ़ रहे हो तो अब दिमाग में आ जानी चाहिए। यहाँ पे उसने जो वेव फॉर्म बनाई है तुम अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैम की वेव फॉर्म को ही फॉलो करो। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर तुम वेव फॉर्म्स थोड़ा समझने लगे हो, ये जो ग्राफ बनाया उसी में मेरा सप्लाई वोल्टेज शो होगा, साथ ही साथ उसी में मैं लोड वोल्टेज को भी शो करूँगी। ठीक, पहली कंडीशन मैंने क्या बोली कि मैंने सप्लाई दी। ठीक, सप्लाई दी मतलब मेरा चॉपर वर्किंग कंडीशन में है, चॉपर मेरा वर्क कर रहा है, मतलब जैसी मेरी सप्लाई होगी वैसा का वैसा ही मुझे आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा। ठीक, यहाँ पे उसने बनाया। अब उसी टाइम पे मैं बात करूँ लोड करेंट की, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंडक्टर का केस है, तो मैंने पहले ही भी बोला है कि एकदम दिमाग में रख लेना इंडक्टर का केस है, मतलब इंडक्टर के केस में पहले करेंट मेरा इंक्रीज करता है फिर उसके बाद डिक्रीज में आता है। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि जब मेरा चॉपर वर्किंग कंडीशन में है उस टाइम पे जैसा सप्लाई वैसा मुझे आउटपुट मिला, और उसी टाइम पे मुझे क्या मिला, इंडक्टर के कारण जो मतलब लोड से जो करंट मिल रहा है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब मैं जैसी इस वाले पॉइंट पे आती हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गई मेरा, फर्स्ट कहानी, दो ही चीज़ें होती है सर्किट में, ऑन करना ऑफ करना, वर्किंग कंडीशन नॉन वर्किंग कंडीशन। तो ऑब्वियसली बात है मेरी वर्किंग वाली काम कहानी खत्म हो गई। तब नेक्स्ट जो कहानी आनी है वो चॉपर को ऑफ वाली आनी है, वो कैसे ऑफ होगा, कब ऑफ होगा, कैसे ऑफ हो रहा है। अब जैसे ही मेरा सप्लाई वोल्टेज मैंने देना बंद किया, मतलब मेरा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, जैसे ही मेरा सप्लाई वोल्टेज जीरो होगा वैसे ही अब मेरा जो करेंट है, देखो मैंने इस वाले डायग्राम में बताया था उसको दोबारा से स्टेप अप करके बताया है कि अब मैंने चॉपर को फिर से ऑन करके यहाँ पे मतलब ऑफ मतलब जो स्विच है वो फिर से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद अब जो करेंट है, ठीक, अब जो चीज़ें मुझे मिलनी है वो मुझे कहाँ से मिलनी है, इस फ्री विलिंग डायोड से, मतलब जो करेंट मेरा पाथ फॉलो करेगा वो किसे फॉलो करेगा, इसे फॉलो करेगा। मीन्स क्या होगा, जो लोड करेंट मिलेगा वो मुझे डिक्रीजिंग फॉर्म में मिलेगा। क्लियर, उसी वेव फॉर्म को फिर से उसने अगेन मतलब उसी को उसने फिर आगे बढ़ाया ऑफ कंडीशन, जब मैंने मेरा जो सप्लाई था वो जीरो हो गया था, फिर से मैंने सप्लाई दिया, फिर से वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आया, मतलब जो सप्लाई आना था, मतलब फिर से मेरा चॉपर ऑन हुआ उस टाइम पे, मतलब यही कि यही वेव फॉर्म मेरी फिर से क्या हो जाएगी, अगेन रिपीट होती चली जाएगी। तो क्या अभी तक जो वेव फॉर्म पड़ी उससे तो ये वाली वेव फॉर्म तुम लोग को सबसे आसान लगी होगी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल वर्ड्स बताए हैं। उसके बाद अभी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम आप तो यहाँ पे डीसी सप्लाई की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे तो मुझे इस तरह से कुछ आउटपुट वेव फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ पे आगे मैं बताना चाहूँगी कि जो ये वाली लाइन दिख रही है, मतलब जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये होगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। क्या होगा मेरा ये पूरा का पूरा शो कर रहा है किसको, सप्लाई वोल्टेज को। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल डीसी इट मीन्स जो मैं सप्लाई दे रही हूँ उससे या तो कुछ वैल्यू कम मिलेगी या वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जो ये एरो दिख रहा है इतनी वैल्यू जो होगी वो मेरे आउटपुट वोल्टेज की होगी। ठीक, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट तुम लोग को पता चल गया होगा, जो लोग आज नए हैं जो कभी कभार आते हैं उन्हें दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, तो वो आसानी से अब मेरे ख्याल से डे वन से जिस दिन से वेव फॉर्म पड़ रहे हैं इंडक्टर जहाँ लगा है उसके करेंट की वेव फॉर्म ऐसी ही बन रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो वेव फॉर्म बहुत आसान है। ठीक, अब आगे थोड़े से इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का, कुछ नहीं एकदम सिंपल सा है। यहाँ उसने आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए उसने सिंपली लिखा है टी ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज। मतलब उसने इसकी वैल्यू कैसे निकाली है, ये जो ऑन टाइम है, ठीक, ये जो ऑन टाइम है उसे लिया है, उसके बाद उसे डिवाइड कर दिया है पर्टिकुलर ये ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम से और मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, सप्लाई वोल्टेज से। मीन्स वॉट, उसी चीज को उसने आगे लिखा है t ऑन टाइम वैसा क्या वैसा, और ये t ऑन प्लस t ऑफ टाइम है उसे शो कर दिया है t से, और ये जो मेरा वोल्टेज है वो। मीन्स वॉट, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको उसने शो किया है t से, कैपिटल t से, मतलब कैपिटल t इज इक्वल टू वो बोल रहा है t ऑन प्लस t ऑफ। ठीक, तो उसने इस चीज में जो आउटपुट वोल्टेज जिसे लिखा है t ऑन
ठीक, ये वाला टाइम से डिवाइड कर दिया ये प्लस ये, देन मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सप्लाई वोल्टेज से, ठीक। तो किसकी वैल्यू मिल रही है उसे, आउटपुट वोल्टेज, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने ये जो वैल्यू इसे मान लिया है कैपिटल टी, तो उसने ये जो लिखा है टी ऑन प्लस टी ऑफ इसी जगह लिख दिया कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक। अब आगे की उसने, आगे उसने क्या किया है थोड़ा सा मैं लिख के बताऊंगी तुम लोग को। यहाँ पे उसने इस, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो उसने डायरेक्ट क्या कर दिया है, जो ये वोल्टेज था Vs था, जो Vs तो वैसा का वैसा ही, और इसकी जगह पे ये जो है इसकी जगह पे उसने डायरेक्ट पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू, मतलब ड्यूटी साइकिल, ठीक, अल्फा ड्यूटी साइकिल को पुट कर दिया। मीन्स वॉट, मैं अगर तुम लोग को बताना चाहूंगी आगे के लिए, हमेशा याद रखना कि टी ऑन टाइम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू होता है ड्यूटी साइकिल। कहीं पे तुम्हें इस टी ऑन की जगह टी ऑफ भी मिल सकता है, ठीक है।